तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले मार्केट के तीन बेस्ट कैटेगरी के तीन बेस्ट क्वालिटी के मैट्रेस। इसमें हमने कवर किया मेन फोम वाले मैट्रेस को, लेटेक्स मैट्रेस को, पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस को और कुछ हाइब्रिड वर्जन को इनके, ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए कि आपके लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट रहेगी और कौन सा मैट्रेस आपके लिए ज्यादा बेहतर सूट करेगा। बाकी इन सब के अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो कि भाई फर्मनेस, हीटिंग इश्यूज, साउंड प्रॉब्लम, बैक सपोर्ट, इन सबको अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपको थोड़ा बहुत और क्लियर कट आइडिया हो जाए। एंड ट्रस्ट में, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। एंड हाँ, इसे कोई ओवर कॉन्फिडेंस ना समझ लेना। एंड बाकी इस वीडियो में बता के सारे मैट्रेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं अपनी लिस्ट को। सबसे पहली कैटेगरी जो हमारी होने वाली वो है मेन फोम। तो देखो यहाँ पे हमने मेन फोम की कैटेगरी में स्लीपी कैट की अल्टीमा को सिलेक्ट किया है, जो कि आपको 17 से 18,000 के आसपास देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक सवाल है जो कि ज्यादातर लोगों के मन में आएगा, ज्यादातर लोग पूछते हैं कि भाई देख 12 से 13,000 में वेक फिट के, स्लीपी हेड के या फिर स्लीपी कैट तक के मेन फोम के मैट्रेस देखने को मिल जाते, तो ये जो स्लीपी कैट का अल्टीमा है उसमें क्या खास बात है? तो देखो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो स्लीपी कैट का अल्टीमा है, भले ही आपको 3 से 4,000 महंगा पड़ रहा है एज कम्पेयर टू 12 से 13,000 में मिलने वाले मेन फोम के कंपैरिजन में, लेकिन ये जो स्लीपी कैट का अल्टीमा है, इसमें जो आपको फीचर्स देखने मिलते हैं, बैक सपोर्ट देखने मिलता है, क्वालिटी देखने मिलती है, वो ज्यादा एज कम्पेयर टू जो 12 से 13,000 में आपको मेन फोम देखने मिल जाते हैं बाकी कंपनियों के। तो हाँ, बस यही एक कारण जिसके कारण हमने इसको सिलेक्ट किया बाकी मेन फोम के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने स्लीपी कैट अल्टीमा के कुछ बेसिक फीचर के बारे में। तो देखो, जैसे हम ऊपर बात कर ही चुके कि आपको 17 से 18,000 के आसपास देखने को मिलेगा, बाकी इन सब के अलावा ये आपको 10 साल की वारंटी के साथ देखने को मिल जाता है। एंड हाँ, अगर यहाँ पे इसके थिकनेस ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें आपको 8 इंच और 10 इंच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड हाँ, इसमें भी आपको सारे जनरल साइजेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि भाई सिंगल, डबल, किंग साइज, क्वीन साइज अमेजन के ऊपर। एंड अगर आप अपने बेड के हिसाब से एक कस्टम साइज ढूंढ रहे, तो वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। एंड शर्त वही सेम है कि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर ऑर्डर को प्लेस करना पड़ेगा। बाकी हाँ, ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट जो कि याद रखने वाले कि कस्टम साइज के साथ आपको रिटर्न पॉलिसी देखने को नहीं मिलती और उसमें आपको ट्रायल पीरियड भी देखने को नहीं मिलता। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये सारे ही मैटर्स में लागू होता है, ज्यादातर मैटर्स में लागू होता है, कहने का मतलब है। तो यही थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको स्लीपी कैट के अल्टीमा में देखने को मिलते हैं। इन सब के अलावा अगर इसके लेयर्स की बात करें, तो इसमें आपको ऊपर की तरफ एक जिपर कवर देखने को मिल जाता है, जो कि सेम ही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये जो जिपर कवर है, उसकी कहानी भी काफी ज्यादा सेम है बाकी मैटर्स से रिलेटेड, कि भाई ये जो जिपर कवर आपको देखने को मिल जाता है, ये व्हाइट शेड में अवेलेबल है एंड प्लस ये वाटर प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। एंड यही एक कहानी है जो कि आपको सारे मैटर्स में देखने को मिलती है। आगे आने वाली हमारी जो दो मैटर्स है, उसमें भी आपको यही सेम फंडा देखने को मिलेगा। तो इसके लिए भाई एक ही सोल्यूशन है, जो कि मैं हर मैटर्स की वीडियो में देता हूँ, इसके लिए भाई आप एक बेस्ट मैटर्स प्रोटेक्टर के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है, हमने बेस्ट मैटर्स प्रोटेक्टर लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बस लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, ताकि हमारे चैनल की रीच बढ़े। बाकी यहाँ पे जिपर कवर के बाद जो आपको लेयर देखने को मिल जाती है, वो है कूलिंग फोम की। ये जो कूलिंग फोम की लेयर आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई कूलिंग जेल नहीं है, फिर कूलिंग पार्टिकल नहीं है, ये कूलिंग यान है, जो कि एक नेचुरल मटेरियल है। और अगर यहाँ पे बात करें कि ये हीटिंग इशू कितना हद तक अवॉइड करता, तो मैं कहना चाहूंगा, तो देखो अगर यहाँ पे कंपेयर करें, जो कि आपको 12 से 13,000 में मेन फोम देखने को मिल जाते हैं, तो उससे आपको 19-20 का अंतर देखने को मिलेगा। मतलब बहुत अंतर तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, 19-20 का अंतर आपको देखने को मिलेगा इस कूलिंग फोम के यान से। बाकी अगर आप यहाँ पे हीटिंग इशू के पर्सपेक्टिव से इस मैटर्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि इस कूलिंग फोम से या फिर इस कूलिंग यान से बहुत ही ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यही पूरी कहानी इस हीटिंग इशू को लेकर या फिर इस कूलिंग यान को लेकर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी नेक्स्ट लेयर के बारे में, जो कि भाई मेन फोम की लेयर। तो देखो, इसके बाद आपको 2 इंच की मेन फोम की लेयर देखने को मिल जाती है, जिसकी डेंसिटी आपको 55 के अराउंड देखने को मिलेगी। एंड हाँ, जितनी भी आपको 12 से 13,000 में मेन फोम देखने को मिल जाती है, उनकी डेंसिटी भी आपको 55 से लेकर 60 के अराउंड देखने को मिलेगी। तो वही है, 19-20 का ही अंतर है, क्वालिटी वाइज ऑलमोस्ट सेम ही रहती है सब। एंड इसके बाद थोड़ा बहुत गेम चेंज हो जाता है, इसके बाद आपको 32 डेंसिटी की एचआर फोम की लेयर देखने को मिलेगी 6 इंच की। एंड इन सब के अलावा आपको लास्ट में एक बेस फोम की लेयर भी देखने को मिलेगी, जो कि एक्स्ट्रा बेस सपोर्ट के लिए। तो हाँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर कुछ फर्क पड़ता है कि जो स्लीपी कैट का अल्टीमा, इसमें आपको कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं, जो कि 12 से 13,000 में फोम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो पहला फर्क देखने को मिलता है कि इसमें आपको एक एक्स्ट्रा बेस फोम की लेयर देखने को मिल जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें आपको अच्छा खासा बैक सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एसकेमेटू 12 से 13,000 मिलने वाली मेन फोम की कंपैरिजन में। एंड इन सब के अलावा इसमें आपको कुछ होल्स भी देखने को मिल रहे होंगे, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं, कि ये जो होल्स हैं, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं और एक्स्ट्रा एयर सर्कुलेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हीटिंग इशू के जो चांसेस हैं और ज्यादा कम हो जाते हैं। बाकी इन सब के अलावा इसमें आपको एक और फीचर जो कि देखने को मिलेगा, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, कि इसमें आपको एक वेव नेचर देखने को मिलेगा, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये जो वेव नेचर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इससे होता यह है कि ये जो स्लीपी कैट का अल्टीमेट, इसमें आपको 7 प्रेशर लेयर जोन देखने को मिल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो 7 प्रेशर लेयर जोन है, ये आपकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट के ऊपर डिफरेंट प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एंड अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट पे। तो यही कुछ फीचर है जो कि आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं स्लीपी कैट के अल्टीमा में। बाकी अगर यहाँ पे इसके फर्मनेस की बात करते हो, जैसे हमने ऊपर बात करी रखी है कि इसमें आपको अच्छा खासा बैक सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो हाँ, अगर आप यहाँ पे थोड़ा मीडियम फर्म से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फर्मनेस चाहते हैं, तो ये जो स्लीपी कैट का अल्टीमा है, ये मेन फर्म की कैटेगरी में काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाता है। आप इसे अपने लिए भी ले सकते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए भी ले सकते हैं, इसमें आपको अच्छा खासा नेक सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। ये जो नेक सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, इतना बेहतर नहीं है जो कि आपको पॉकेट स्प्रिंग देखने को मिलता है या फिर लेटेक्स में देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल इसमें आपको अच्छा खासा बैक सपोर्ट देखने को मिलता है किसी भी मेनफ्रोम के कंपैरिजन में। बाकी अगर आप मेनफ्रोम के साथ नहीं जाना चाहते हीटिंग इशू के कारण या फिर कोजी नेचर के कारण या फिर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नेचर के कारण, तो आप बाकी के दो मैटर्स को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि भाई पॉकेट स्प्रिंग या फिर लेटेक्स।
तो अब जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है स्प्रिंग मैट्रेस, और स्प्रिंग मैट्रेस में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस के बारे में। अब हम पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस को इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनल स्प्रिंग मैट्रेस जो कि है बोनल स्प्रिंग मैट्रेस उसे थोड़ा बहुत बेहतर होता है। अब इस पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं वेकअप स्प्रिंग मैट्रेस के बारे में। वैसे तो आपको पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस में तीन काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है जो कि मैं रिकमेंड करता हूं ज्यादातर, जो है वेकअप ऑफकोर्स जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दूसरे नंबर के ऊपर कंफर्टो पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस एंड तीसरे नंबर के ऊपर स्प्रिंगटेक पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस। अब इनके ऊपर डिटेल रिव्यू हमने ऑलरेडी बना रखी है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। अब इन तीनों को मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो ये जो वेकअप का पॉकेट स्प्रिंग है नो डाउट ये थोड़ा बहुत बेहतर है क्वालिटी वाइज और थोड़ा बहुत फर्मनेस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ जाता है, लेकिन इन सब के अलावा इन तीनों में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये जो पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस इसमें आपको थोड़ा बहुत हाइब्रिड वर्जन भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पॉकेट स्प्रिंग प्लस माइफोम, पॉकेट स्प्रिंग प्लस लेटेक्स, तो ऐसी कुछ हाइब्रिड वर्जन और कुछ फीचर्स डिफरेंट है जो कि आपको डिफरेंट कंपनी में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ये जो पॉकेट स्प्रिंग प्लस लेटेक्स वाला वर्जन है, हाइब्रिड वर्जन है, ये आपको सिर्फ स्प्रिंगटेक के पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस में देखने को मिलता है, बाकी ये जो कंफर्टो का या फिर वेकअप का पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस है इसमें आपको ये देखने को नहीं मिलता। तो ये काफी ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। आप इन तीनों का डिटेल वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बाकी यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करते हैं अपने वेकअप के पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस के बारे में। अब ये जो पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस होते हैं ना, इनकी खास बात मेरे को ये लगती है कि देखो अगर आप लेटेक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसमें आपको ऑलमोस्ट लेटेक्स वाली वाइब ही आएगी। कहने का क्या मतलब है कि इसमें आपको अच्छा खासा नेक सपोर्ट भी देखने को मिलता है, बैक सपोर्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन उन सब के अलावा बाउंसी नेचर भी देखने को मिलता है जो कि ज्यादातर फेमस है लेटेक्स में। वैसे तो पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस भी इसके लिए काफी ज्यादा फेमस माने जाते हैं, लेकिन स्टिल वो जो लेटेक्स वाली वाइब होती है ना वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। बाकी इन सब के अलावा अगर इसके बेसिक ज्ञान की बात करें, जनरल ज्ञान की बात करें जो कि आपको इस वेकअप के पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस में देखने को मिल जाता है, तो देखो इसमें आपको 10 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है जो कि किसी भी पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस के प्रोस्पेक्टिव से काफी काफी बढ़िया क्वालिटी मानी जाती है। क्योंकि जनरली इसमें क्या होती है कि पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस में आपको लाइफ थोड़ी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको 10 साल की वारंटी देखने को मिल रही तो इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतर है। बाकी इसको चलाने को तो आप काफी अच्छे साल चला सकते हैं इसको अगर ढंग से चलाएंगे। बाकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में अच्छे से थोड़ी देर बाद बात करते हैं, अभी थोड़ा बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन को कवर कर लेते हैं। अब इस 10 साल की वारंटी के बाद जो दूसरा फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाता है जो कि थिकनेस ऑप्शन, वो आपको इसमें 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस के प्रोस्पेक्टिव से, जो कि है कि देखो ये जो पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस होते हैं ना, इनमें अगर आप 6 इंच, 8 इंच या फिर 10 इंच या 12 इंच की तरफ चले जाएं तो इसमें सिर्फ बाकी लेयर की थिकनेस तो सेम ही रहती है, लेकिन ये जो पॉकेट स्प्रिंग की लेयर की थिकनेस है ना बस यही बढ़ती रहती है। बाकी यहाँ पे एक और दूसरी बात है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉकेट स्प्रिंग के प्रोस्पेक्टिव से, देखो यहाँ पे ये सारी बातें सिर्फ पॉकेट स्प्रिंग के ऊपर ही लागू होती है तो इसको किसी और मैट्रेस के ऊपर लागू मत कर देना। यहाँ पे ये जो पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस है, अगर आप किसी भी पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस के साथ जाते हैं तो उससे मिनिमम टू मिनिमम आप 6 इंच थिकनेस के साथ जा सकते हैं एंड मैक्सिमम आप 8 इंच थिकनेस के साथ जा सकते हैं। नो डाउट कि इसमें आपको 10 इंच या फिर 12 इंच का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 8 इंच से ज्यादा ना जाए। उसका कारण ये है कि अगर आप पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस में 8 इंच से ज्यादा जाते हैं तो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है, बाकी 6 इंच से कम में इसलिए मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि वो मिलता ही नहीं है ना, ऑप्शन ही नहीं है। बाकी यहाँ पे बाकी जनरल बातें ऑलमोस्ट सेम है जो कि आपको बाकी मैट्रेस में देखने को मिल जाती है कि इसमें भी आपको सिंगल, डबल, किंग साइज, क्वीन साइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप इसको अपने बेड के हिसाब से कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो इसके लिए भी वही सेम फंडा है कि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर ऑर्डर को प्लेस करना पड़ेगा। एंड हाँ, वो सारी शर्तें इसके ऊपर भी लागू होती है कि भाई इनमें भी आपको रिटर्न पॉलिसी देखने को नहीं मिलेगी और इसमें भी आपको ट्रायल पीरियड देखने को नहीं मिलेगा, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही रहता है ज्यादातर मैट्रेस में। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो तीनों टॉप के मैट्रेस है इनमें थोड़ी बहुत बारीकियां जो कि मैं कवर करना चाहता हूँ जो कि छूट ना जाए और ज्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, उसके लिए मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ कि थोड़ा सा तेज बोलूँ। बाकी आप सेटिंग पे जाकर तो सेटिंग चेंज कर ही सकते हैं स्पीड की, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने वेकअप के पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस के डिफरेंट लेयर्स के बारे में कि इसमें आपको कौन कौन सी लेयर देखने को मिल जाती है, ताकि जो वेकअप का पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस इसमें आपको थोड़ी बहुत और क्लैरिटी और इसके जो कुछ हाइब्रिड वर्जन है इसके बारे में आपको और समझ में आए। तो देखो जैसे हम ऊपर बात कर चुके कि ये जो वेकअप का पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस है इसमें आपको 2 वर्जन देखने को मिल जाते हैं, एक तो कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाला वर्जन एंड दूसरा पॉकेट स्प्रिंग प्लस माइफोम वाला वर्जन। तो पहले बात कर लेते हैं कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाले वर्जन के बारे में। तो देखो यहाँ पे इसमें आपको ऊपर की तरफ एक जिपर कवर देखने को मिलेगा, कुल्टेड जिपर कवर देखने को मिलेगा जो कि वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है एंड व्हाइट शेड में ही अवेलेबल। तो इसके ऊपर भी यही सेम कहानी है कि आप इसको लेकर भी मैट्रेस प्रोटेक्टर के साथ जा सकते हैं एंड इसके भी मैट्रेस प्रोटेक्टर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी इस जिपर कवर के बाद आपको एक एचआर फोम की लेयर देखने को मिल जाती है जिसकी डेंसिटी आपको 40 के अराउंड देखने को मिलेगी। मैं जानता हूं कि ये कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाला वर्जन, लेकिन स्टिल इसमें आपको एक एचआर फोम की लेयर देखने को मिल जाती है। उसका कारण ये कि ये थोड़ा सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने के लिए और थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, तो इसको लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एंड बाकी इसके बाद आपको वही सेम फेल्ट सपोर्ट के साथ पॉकेट स्प्रिंग की लेयर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि फेल्ट सपोर्ट को लेकर कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। फेल्ट सपोर्ट यहाँ पे एक शीट की तरह काम करता है, मतलब कि एक पतली सी शीट है जो कि आपको पॉकेट स्प्रिंग के साथ देखने को मिल जाती है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च मारोगे थोड़ा तो आपको पता चलेगा कि ये जो फेल्ट शीट्स होती है ये थोड़ा बहुत डेकोरेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो यहाँ पे इनका काम बस सपोर्ट के लिए है ना। अब बात करते हैं इसके दूसरे हाइब्रिड वर्जन के बारे में जो कि भाई पॉकेट स्प्रिंग प्लस माइफोम वाला वर्जन। इसमें भी आपको ऊपर की तरह वही सेम कुल्टेड जिपर कवर देखने को मिल जाती है, लेकिन हाँ इसके बाद कहानी थोड़ा बहुत डिफरेंट है कि इसके बाद आपको थोड़ा बहुत माइफोम की लेयर देखने को मिल जाती है जिसकी डेंसिटी आपको 55 से लेकर 60 के अराउंड देखने को मिलेगी एंड इसके बाद आपको एक सॉफ्ट फोम की लेयर देखने को मिल जाती है एंड लास्ट में वही
वही सेम कहानी है कि आपको फेल्ट सपोर्ट के साथ एक पॉकेटिंग की लेयर देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ बातें जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है किसी पॉकेटिंग के प्रोस्पेक्टिव से या फिर जो वेकअप का पॉकेटिंग मैट्रेस है कि इसमें जैसे कि मैं ऊपर कह ही चुका हूँ कि अगर आप 8 इंच से 10 इंच तक जाते हैं या फिर 6 इंच से 8 इंच तक जाते हैं तो बाकी लेयर्स की जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, बस ये जो पॉकेटिंग की लेयर की थिकनेस है ये बढ़ जाएगी। तो बस ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड यहाँ पे एक और बात है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो ये जो पॉकेटिंग मैट्रेस होते हैं नो डाउट कि ये हीटिंग इशू के प्रोस्पेक्टिव से मेनफोम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेहतर होते हैं। तो अगर आप लेटेक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये जो पॉकेटिंग मैट्रेस होते हैं काफी ज्यादा अच्छा खासा अल्टरनेटिव बन जाते हैं। एंड हाँ, जैसे कि मैं ऊपर कह चुका हूँ कि ये भी एक कारण है कि इसमें आपको लेटेक्स की वाइब देखने को मिलती है कि भाई इसमें आपको लेटेक्स जैसे बाउंसी नेचर देखने को मिल जाता है, नेक सपोर्ट देखने को मिल जाता है, इसमें हीटिंग इशू भी काफी ज्यादा कम है। देखो लेटेक्स के कंपैरिजन में तो इतना बेहतर नहीं है लेकिन स्टिल काफी ज्यादा बेहतर है अगर इसको कंपेयर करें मेनफ्रेम के कंपैरिजन में। तो हाँ, ये भी कारण बन जाता है। बाकी इसमें आपको थोड़ा बहुत हाइब्रिड वर्जन भी देखने को मिल जाते हैं तो ये भी काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है इसका, है ना। तो अगर आप हीटिंग इशू के प्रोस्पेक्टिव से पॉकेटिंग मैट्रेस को कंसीडर कर रहे हैं तो कंप्लीट पॉकेटिंग मैट्रेस के साथ जा सकते हैं, प्लस पॉकेटिंग प्लस लेटेक्स वाले वर्जन के साथ भी जा सकते हैं। तो ये थोड़ा टिप के तौर पर याद रखो। अब यहाँ पे जो अपना पॉकेटिंग मैट्रेस है वेकअप का, अगर इसके फर्मनेस की बात करें तो जैसे कि मैं ऊपर कह ही चुका हूँ कि ये जो वेकअप का पॉकेटिंग मैट्रेस है इसमें आपको मीडियम फर्मनेस देखने को मिलेगा। एंड जैसे कि मैंने कहा कि ये नंबर 1 के ऊपर आता है, फिर नंबर 2 के ऊपर कंफर्टेबल पॉकेटिंग मैट्रेस आता है एंड नंबर 3 के ऊपर स्प्रिंग टेक का पॉकेटिंग मैट्रेस आता है। अब इन तीनों की फर्मनेस में आपको 19-20 का ही अंतर ज्यादातर देखने को मिलेगा। ये तीनों ही आपको मीडियम फर्मनेस के आसपास देखने को मिलेगा लेकिन हाँ, स्टिल 19-20 का अंतर आपको इन तीनों में देखने को मिलेगा। ये जो कंफर्टेबल पॉकेटिंग मैट्रेस है थोड़ा बहुत आपको सॉफ्ट साइड में देखने को मिलेगा लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो वेकअप का पॉकेटिंग मैट्रेस है आपको मीडियम फर्मनेस की तरफ देखने को मिलेगा। एंड स्प्रिंग टेक का जो पॉकेटिंग मैट्रेस है वो भी आपको कहीं ना कहीं मीडियम फॉर्म के आसपास देखने को मिलेगा। तो बस यही फॉर्मुलस में ज्यादा अंतर नहीं है 19-20 का अंतर इन तीनों में। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पॉकेटिंग मैट्रेस के साथ जा रहे हैं तो इनकी डिटेल रिव्यू वीडियो को भी चेकआउट करना ना भूलें, इससे आपको थोड़ा बहुत और बेटर आइडिया हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर इसके बैक सपोर्ट की बात करें, नेक सपोर्ट की बात करें, तो जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि इसमें आपको बाउंसी नेचर देखने को मिल जाता है तो इसमें आपको नेक सपोर्ट और बैक सपोर्ट एज कम्पेयर टू मेनफ्रेम काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाता है। मेनफ्रेम में क्या होता है ना कि उसमें आपको सिंकिन वाली वाइब देखने को मिलती है, सिंकिन वाले फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि नेक सपोर्ट इतना बेहतर नहीं होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पॉकेटिंग मैट्रेस होते हैं या फिर ये जो स्प्रिंग मैट्रेस होते हैं या फिर ये जो लेटेक्स मैट्रेस होते हैं इनमें बाउंसी नेचर के कारण जो इनका बैक सपोर्ट होता है, नेक सपोर्ट होता है, वो थोड़ा बहुत इंप्रूव हो जाता है, इनहेंस हो जाता है। तो यही कारण कि अगर आप थोड़ा बहुत प्रॉपर नेक सपोर्ट बैक सपोर्ट के लिए जा रहे हैं तो पॉकेटिंग मैट्रेस लेटेक्स मैट्रेस थोड़ा बहुत बेहतर ऑप्शन बन जाते हैं। नो डाउट कि मेनफ्रेम में भी आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ऊपर बात कर ही चुके स्लीपी कैट का अल्टीमा, तो हाँ यहाँ पे मेनफ्रेम में भी कुछ ऑप्शंस को छोड़कर आपको ज्यादातर सिंकिन वाली वाइब ही देखने को मिलती है। तो यही पूरी कहानी फर्मनेस को लेकर पॉकेटिंग के प्रोस्पेक्टिव से। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि काफी सारे लोग पूछते हैं कि देख भाई हमने मेनफ्रेम में लेटेक्स में डेंसिटी वगैरह के बारे में बात की है, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं अगर हम ऑनलाइन मैट्रेस खरीद रहे हैं कि हम कौन सी फर्मनेस के साथ जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वेकअप का पॉकेटिंग मैट्रेस या फिर कोई भी पॉकेटिंग मैट्रेस है उसकी फर्मनेस का आइडिया कैसे लगाया अगर हम ऑनलाइन मैट्रेस को खरीद रहे हैं। तो देखो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो देखो इसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं कि आप स्प्रिंग गॉस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। स्प्रिंग गॉस को आप एक तरीके से डेंसिटी ही समझ सकते हैं, वैसे डेंसिटी नहीं है, बस एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। तो स्प्रिंग गॉस को आप यहाँ पे एक तरीके से डेंसिटी ही समझ सकते हैं, वैसे डेंसिटी नहीं है, याद रखना। तो देखो अगर आप पॉकेटिंग मैट्रेस के साथ जा रहे हैं तो 1.2 से लेकर 1.3 तक की जो स्प्रिंग गॉस होते हैं वो सॉफ्ट कंसीडर किया जाता है, सॉफ्ट फर्मनेस कंसीडर किया जाता है। एंड 1.4 से लेकर 1.5 तक के जो स्प्रिंग गॉस होते हैं उनकी जो फर्मनेस होती है वो मीडियम फर्मनेस कंसीडर किए जाते हैं। इसके बाद आपको हार्ड फर्मनेस देखने को मिलेंगे। तो हाँ, यहाँ पे आप स्प्रिंग गॉस की मदद से आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन मैट्रेस के साथ जा रहे हैं, पॉकेटिंग मैट्रेस के साथ जा रहे हैं, तो उसकी फर्मनेस क्या है। बाकी यहाँ पे पॉकेटिंग मैट्रेस में थोड़ा बहुत नंबर ऑफ पॉकेटिंग भी अफेक्ट करता है फर्मनेस के ऊपर और थोड़ा डायमीटर ऑफ स्प्रिंग भी अफेक्ट करता है, लेकिन ये इतना अफेक्ट नहीं करते जितना स्प्रिंग गॉस करता है। तो हाँ, आप बस ध्यान रखिए कि स्प्रिंग गॉस क्या मैट्रेस का, है ना, बस इतना ध्यान रखें। बाकी यहाँ पे इन सब के अलावा एक कंफ्यूजन है जो कि मार्केट में बना रहता है किसी भी स्प्रिंग मैट्रेस से लेकर कि भाई ये जो स्प्रिंग मैट्रेस होते हैं इनमें साउंड प्रॉब्लम की काफी ज्यादा इश्यू होती है। तो देखो अगर आप यहाँ पे किसी भी ट्रेडिशनल स्प्रिंग मैट्रेस के साथ जा रहे हैं या फिर किसी भी बोनस स्प्रिंग मैट्रेस के साथ जा रहे हैं तो नो डाउट उसमें आपको साउंड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पॉकेटिंग मैट्रेस होते हैं इनमें इंडिविजुअल स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें आपको साउंड प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ना के बराबर देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि 5 से 6 साल बाद आपको थोड़ी बहुत साउंड प्रॉब्लम की इशू देखने को मिलेगी, लेकिन वो भी ना के बराबर ही होती है। तो हाँ, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर आप पॉकेटिंग मैट्रेस के साथ जा रहे हैं तो ये आपके लिए चैप्टर नहीं है ना, तो इसको लेकर टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक और बात है कि पॉकेटिंग मैट्रेस की जो ड्यूरेबिलिटी होती है, लाइफ होती है, थोड़ी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू मेनफ्रेम के कंपैरिजन में या फिर किसी भी लेटेक्स मैट्रेस के कंपैरिजन में। एंड यही एक पॉइंट है जहाँ पे ये जो पॉकेटिंग मैट्रेस होते हैं थोड़ा बहुत पीछे रह जाता है एज कम्पेयर टू मेनफ्रेम के कंपैरिजन में या फिर लेटेक्स के कंपैरिजन में। यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी को लेकर आप इस चार्ट को याद रख सकते हैं कि नंबर 1 की जो ड्यूरेबिलिटी आती है, लाइफ आती है, वो होती है लेटेक्स मैट्रेस की, जो कि आपको 10 से 15 साल आराम से देखने को मिल जाती है। एंड उसके बाद आपको मेनफ्रेम की देखने को मिलेगी जो कि आपको 8 से 10 साल के आसपास देखने को मिल जाती है या फिर 7 से 8 साल के आसपास देखने को मिल जाती है। एंड थर्ड नंबर के ऊपर नंबर आता है भाई अपने पॉकेटिंग मैट्रेस का, वो आपको ऑन एन एवरेज 5 से 6 साल के आसपास देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छी क्वालिटी के पॉकेटिंग मैट्रेस के साथ जा रहे तो उसमें आपको और भी अच्छी खासी लाइफ देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हम बात कर ही चुके कि जो वेकअप का पॉकेटिंग मैट्रेस है और ये जो कंफर्टेबल पॉकेटिंग मैट्रेस है इसमें आपको 10 से 11 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। तो हाँ, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतर है। तो बस यही कुछ पॉइंट है जो कि पॉकेटिंग मैट्रेस के साथ अगर आप जा रहे तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एंड ये जो 3 ऑप्शन मैंने बताई काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन में से एक है। तो यही थी भाई अपनी सेकंड कैटेगरी पॉकेटिंग मैट्रेस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई अपनी थर्ड कैटेगरी के बारे में जो कि भाई लेटेक्स मैट्रेस। अब इसमें हम बेसिकली बात करने वाले ड्रीम जी के लेटेक्स मैट्रेस के बारे में, जिसमें आपको प्योर कंप्लीट लेटेक्स देखने को मिलता है ऊपर से नीचे तक। एंड अगर आप लेटेक्स मैट्रेस के साथ जा रहे हैं, अगर आप प्योर लेटेक्स मैट्रेस को
कंसिडर करना चाहते हैं या फिर अगर आप प्योर लेटेक्स मैट्रेस को ढूंढ रहे हैं तो ये जो ड्रीम जी का लेटेक्स मैट्रेस है काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन में से एक बन जाता है। बाकी मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि हमने काफी सारे हाइब्रिड लेटेक्स मैट्रेस के ऊपर वीडियो बना रखी जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे आपको लेटेक्स के साथ मेनफॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल जाता है या फिर लेटेक्स के साथ पॉकेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसके हमने ऊपर बात की। तो देखो अगर आप इस ड्रीम जी के लेटेक्स मैट्रेस की बात करें तो अगर आप एक परफेक्ट मीडियम फॉर्मनेस वाला लेटेक्स मैट्रेस ढूंढ रहे हैं या फिर अगर आप एक हीटिंग इश्यू के पर्सपेक्टिव से कोई मैट्रेस ढूंढ रहे हैं तो ये जो ड्रीम जी का लेटेक्स मैट्रेस होता है काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन में से एक बन जाता है। इसमें आपको काफी सारे पिन कोड होल्स देखने को मिल जाते हैं जिसके कारण क्या होता है कि इसमें आपको अच्छा खासा सर्कुलेशन देखने को मिल जाता है, एयर सर्कुलेशन देखने को मिल जाता है एंड इसलिए अगर आप हीटिंग इशू के पर्सपेक्टिव से कोई मैट्रेस ढूंढ रहे तो ये काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाता है। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि गर्मी में इसमें आपको ऑलमोस्ट एसी जैसा फील आएगा, देखो भाई गर्मी है तो है ना, इसमें आपको स्वेटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे लेकिन स्टिल इसमें आपको थोड़ी बहुत स्वेटिंग तो देखने को मिलेगी गर्मी के समय, उसमें आपको सारे ही मैटर्स में देखने को मिलेगी चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी अपना ले, गर्मी के समय तो भाई गर्मी है तो है ना। बाकी इन सब के अलावा अगर इसके बेसिक फीचर की बात करें तो इसमें आपको 12 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है और जैसे हमने ऊपर बात करी रखी है कि जो लेटेक्स मैटर्स होते हैं इनकी ड्यूरेबिलिटी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है, आराम से 10 से 15 साल चल जाते हैं एंड ज्यादातर आपको 12 15 साल ये सब आपको लेटेक्स मैटर्स में वारंटी देखने को मिल जाती है। एंड अगर इसके थिकनेस ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब थिकनेस को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइजेशन है। बाकी इसमें जनरल साइज के ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम ही जो कि आपको बाकी मैटर्स में देखने को मिल जाते हैं जो कि भाई सिंगल, डबल, किंग साइज, क्वीन साइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड अगर आप इसको अपने बेड के हिसाब से कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो इसको लेकर वही सेम फंडा है कि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर ऑर्डर को प्लेस करना पड़ेगा। एंड हाँ इसको लेकर प्रिकॉशंस भी ऑलमोस्ट सेम ही कि इसमें आपको ट्रायल पीरियड देखने को नहीं मिलेगा एंड रिटर्न पॉलिसी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो हाँ ये थोड़ा बहुत है जो कि आपको ध्यान देना है हर मैटर्स में, ये वाला जो फंडा है हर मैटर्स में लागू होता है। अब बात करते हैं अपनी ड्रीम जी के लेटेक्स मैटर्स के डिफरेंट लेयर्स के बारे में जहां पे कहानी आपको थोड़ी बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगी। देखो हम अब तक क्या बात करते हैं कि मेमफोम में या फिर पॉकेटिंग मैटर्स में आपको काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड लेयर्स देखने को मिलते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लेटेक्स मैटर्स होते हैं इनमें आपको लेयर ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई करके दे रखे होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि इसमें आपको ऊपर की तरफ जिपर कवर देखने को मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है सब मैटर्स में, लेकिन इस जिपर कवर के बाद आपको ऊपर से लेकर नीचे तक प्योर लेटेक्स देखने को मिलता है साबुत का साबुत। कहने का क्या मतलब है कि ये आपको ऊपर से लेकर नीचे तक कंप्लीट लेटेक्स की लेयर देखने को मिल जाती है साबुत एंड इसमें आपको कोई मिलावट वाली लेयर देखने को नहीं मिलती और कोई डिफरेंट लेयर देखने को नहीं मिलती, तो ये काफी ज्यादा बेहतर वाली बात है। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि काफी ज्यादा छोटा सा पॉइंट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आप इस ड्रीम जी के लेटेक्स मैटर्स के साथ जाते हैं तो ये आपको साबुत का साबुत डिलीवर होता है। यहाँ पे मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये जो ड्रीम जी का लेटेक्स मैटर्स है ये आपको कंप्रेस रोल फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपको बाकी के मैटर्स में देखने को मिल जाते हैं मेनफॉर्म में या फिर पॉकेटिंग मैटर्स में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इसकी क्वालिटी कौन से लेवल पे है ना। बाकी ये जो ड्रीम जी का लेटेक्स मैटर्स अगर इसके डेंसिटी की बात करते हैं इसमें आपको 85+ डेंसिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं 85+ इसलिए कह रहा हूँ कि देखो ये जो लेटेक्स मैटर्स होते हैं ना ज्यादातर मार्केट में वो आपको डनलो प्रोसेस लेटेक्स मैटर्स देखने को मिल जाते हैं। अब ये डनलो प्रोसेस क्या होता है, टेलरेट प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल रिव्यू वीडियो बना रखी जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे बस थोड़े बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए जान लो कि मार्केट में आपको ज्यादातर डनलो प्रोसेस लेटेक्स मैटर्स देखने को मिलेगा एंड डनलो प्रोसेस लेटेक्स मैटर्स थोड़ा बहुत बेहतर होता है, मतलब बेहतर इस सेंस में नहीं कि ये बहुत ही बेहतर होता है, बेहतर इस सेंस में कि अगर आप कोई भी मैटर्स ढूंढ रहे हैं एक साबुत का साबुत मैटर्स ढूंढ रहे हैं तो डनलो प्रोसेस लेटेक्स मैटर्स ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाता है। तो यहाँ पे 85+ डेंसिटी का मतलब यहाँ पे ये कि यहाँ पे एक रेंज ऑफ डेंसिटी आपको देखने को मिलती है आप जब भी किसी भी डनलो प्रोसेस लेटेक्स मैटर्स के साथ जाते हैं, जहाँ पे आपको बेस की तरफ थोड़ी बहुत ज्यादा डेंसिटी देखने को मिलती है और ऊपर आते आते ये जो डेंसिटी होती है थोड़ी बहुत कम हो जाती है। ये सुनकर ऐसा लगता है कि इसमें भाई डिफरेंट लेयर्स का इस्तेमाल किया गया लेकिन ये जो डनलो प्रोसेस लेटेक्स मैटर्स होते हैं इनके बनने के प्रोसेस के कारण इसमें आपको ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। बाकी इनके बारे में डिटेल में अगर जानना है तो भाई आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक चीज कहना चाहूँगी, देखो ये जो लेटेक्स मैटर्स होते हैं नो डाउट कि काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन में से एक बन जाते हैं, नंबर वन चॉइस में से एक बन जाते हैं फर्मनेस के पर्सपेक्टिव से या फिर क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, लेकिन स्टिल मार्केट में आपको काफी सारे ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ लेटेक्स मैटर्स देखने को मिल जाते हैं फिर सिंथेटिक लेटेक्स मैटर्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा एक लाइन में कि भाई उनसे दूरी रहो, उनकी क्वालिटी ऑलमोस्ट लो क्वालिटी की होती है। कहने का क्या मतलब है कि जाते ये जो लेटेक्स मैटर्स होते हैं प्योर लेटेक्स मैटर्स होते हैं वो 10 से 15 साल तक चल जाते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरह जो सिंथेटिक लेटेक्स मैटर्स होते हैं 2 से 3 साल में भाई रद्दी हो जाएंगे, एकदम रद्दी हो जाएंगे, तो उनसे दूरी रहो। एंड इसके लिए आप 2-3 पॉइंट्स का ध्यान रख सकते हैं। पहला कि भाई देखो ये जो प्योर लेटेक्स मैटर्स होते हैं इनमें किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं कि कुछ सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर कुछ सर्टिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। आप अपने लेटेक्स मैटर्स के साथ 2 सर्टिफिकेशन के ऊपर ध्यान दें जो कि है GOLS या फिर GOTS। आप इन दोनों सर्टिफिकेशन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। GOLS का मतलब होता है ग्लोबल ऑर्गेनिक लेटेक्स स्टैंडर्ड एंड GOTS का मतलब होता है ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। अब इन दोनों सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि इसमें जो लेटेक्स का इस्तेमाल किया गया है वो एक ट्रस्टेड सोर्स से किया गया है। तो हाँ इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो लेटेक्स मैटर्स है वो प्योर है। बाकी कुछ फिजिकल फैक्टर और है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो लेटेक्स मैटर्स है वो प्योर है कि भाई इसमें आपको कोई भी केमिकल स्मेल देखने को नहीं मिलेगा। नो डाउट कि इसमें आपको थोड़ा बहुत रबर का स्मेल देखने को मिलेगा क्योंकि भाई ओवरऑल ये एक रबर ही तो है ना। बाकी इन सब के अलावा एक फिजिकल फैक्टर है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और काफी ज्यादा फनी भी है कि जो प्योर लेटेक्स मैटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा भारी होते हैं। मतलब क्या कहने का कि सारे मैटर्स में पॉकेटिंग मैटर्स में या फिर मेनफॉर्म मैटर्स में जो लेटेक्स मैटर्स होते हैं ये काफी ज्यादा भारी होते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 इंच का किंग साइज का लेटेक्स मैटर्स आपको 60 kg के अराउंड देखने को मिलेगा एंड 12 इंच का किंग साइज का लेटेक्स मैटर्स आपको 150 kg के अराउंड देखने को मिलेगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इसका वेट काफी ज्यादा होता है। तो हाँ इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखिए अगर आप लेटेक्स मैटर्स को कंसिडर करने वाले हैं एंड हाँ वो वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी अगर यहाँ पे फॉर्मनेस की बात करें तो देखो जैसे मैं ऊपर कह चुका हूँ कि भाई फॉर्मनेस के मामले में जो लेटेक्स मैटर्स होते हैं ऑलमोस्ट उमदा क्वालिटी के होते हैं। इसमें आपको परफेक्ट मीडियम
परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है एंड इसमें आपको अच्छा खासा नेक सपोर्ट और बैक सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी हम लेटेक्स के बारे में तो ऑलरेडी काफी सारे कंपैरिजन ऊपर कर ही चुके हैं, तो अगर आप अपने लिए ले रहे या फिर पेरेंट्स के लिए ले रहे तो लेटेक्स भाई नंबर वन चॉइस में से एक है। बाकी यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जो प्योर लेटेक्स मैट्रेस होते हैं काफी महंगे होते हैं, नो डाउट। आपको सिंगल साइज का लेटेक्स मैट्रेस आपको कहीं ना कहीं 20 से 25 हजार के आसपास देखने को मिलेगा, तो आप इसे अंदाजा ला सकते हैं कि जो प्योर लेटेक्स मैट्रेस होते हैं काफी महंगे पड़ते हैं। तो देखो अगर आप लेटेक्स मैट्रेस को कंसिडर करना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं और आपका बजट इतना नहीं है तो आप क्या काम कर सकते हैं, कुछ हाइब्रिड वर्जन को चेकआउट कर सकते हैं जो कि आपको 15 से 16 हजार के आसपास देखने को मिलते हैं। जैसे हम ऊपर बात कर ही चुके हैं कि आप लेटेक्स के साथ मेडफोम के वर्जन के साथ जा सकते हैं या फिर आप लेटेक्स के साथ पॉक्सिंग के वर्जन के साथ जा सकते हैं, ये काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाते हैं अगर आप लेटेक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यही थी पूरी कहानी अबाउट हमारे तीन बेस्ट क्वालिटी के मैट्रेस के बारे में मार्केट के अंदर, तीनों ही कैटेगरी के, पॉक्सिंग मैट्रेस, लेटेक्स मैट्रेस या फिर मेडफोम की कैटेगरी में। अब इन सबके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों ही कैटेगरी से रिलेटेड। पहला पॉइंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है जीरो पार्टनर डिस्टर्बेंस, जो कि आपको तीनों ही कैटेगरी के मैट्रेस में देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ पर जीरो पार्टनर डिस्टर्बेंस का मतलब यहाँ पर ये कि देखो अगर आप मैट्रेस के ऊपर एक तरफ सोए हैं और आपका पार्टनर दूसरी तरफ सोया हुआ है और अगर आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा करवटे वगैरह बदलता है या फिर उठता बैठता तो ये आपकी नींद को खराब नहीं करेगा, तो ये फीचर काफी ज्यादा बेहतर बन जाता है इस मामले में। एंड हाँ, यहाँ पे जो फीचर है आपको तीनों ही कैटेगरी के मैट्रेस में देखने को मिल जाता है, तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एज सपोर्ट। तो देखो यहाँ पे मैं एज सपोर्ट को लेकर एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि भाई एज सपोर्ट के मामले में जो लेटेक्स मैट्रेस होते हैं काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाते हैं। कहने का क्या मतलब है कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि लेटेक्स मैट्रेस एज सपोर्ट के मामले में काफी ज्यादा बेहतर साबित हो रहा है। यहाँ पे इस फीचर का फायदा ये होता है कि अगर आप एज की साइड सोते हैं तो आपके गिरने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं और अगर आप बच्चों के लिए मैट्रेस ढूंढे तो ये फीचर काफी ज्यादा बेहतर बन जाता है। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है ड्यूरेबिलिटी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके ऊपर कि देखो जो सबसे ज्यादा लाइफ होती है वो होती है लेटेक्स मैट्रेस की, जो होती है भाई 10 से 15 साल के आसपास देखने को मिल जाती है। एंड सेकंड नंबर के ऊपर आता भाई अपना मेनफ्रेम मैट्रेस एंड थर्ड नंबर के ऊपर आता भाई पॉक्सिंग मैट्रेस, लास्ट में कहीं जाके अपना बॉडी फॉर्म मैट्रेस या फिर कोर मैट्रेस का नंबर आता है। तो देखो यहाँ पे जो मेनफ्रेम मैट्रेस होते हैं या फिर पॉक्सिंग मैट्रेस होते हैं इनकी लाइफ ऑलमोस्ट सेम ही होती है, ज्यादा अंतर नहीं होता है दोनों की लाइफ में। बाकी यहाँ पे जो लेटेक्स मैट्रेस होते हैं इनकी लाइफ काफी ज्यादा होती है, जिसके हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन हाँ स्टिल यहाँ पे जो लाइफ स्पैन होती है फिर ड्यूरेबिलिटी होती है थोड़ा डिपेंड करती है यूज केस के ऊपर भी एंड थोड़ा बहुत क्वालिटी वाइज भी, है ना। तो ये भाई पूरी डिटेल कंप्लीट कहानी हमारे तीन बेस्ट कैटेगरी के, तीन बेस्ट क्वालिटी के मैट्रेस के बारे में। अगर आपको इनमें से किसी भी मैट्रेस को खरीदना तो इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। बाकी देखो अगर आपको मैट्रेस रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कंक्लूजन के लिए तो कुछ खास बचा नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है भाई, टूट पड़ो। एंड बाकी मिलते अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए मैट्रेस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।